जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कुछ दिनों से चर्चा चली आ रही है जनरल रेमेडीज़ को लेकर। आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ हम बात करते हैं शुक्राचार्य यानी वीनस, शुक्र देवता। शुक्र देवता को हमारे इस ब्रह्मांड में दानव गुरु की पदवी प्राप्त है। प्रिय दर्शकों, ये दानव गुरु इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर जुड़ी होती हैं। चीज़ें जितनी भी होती हैं, हमारी भोग योग्य वस्तुएं होती हैं, वो सारी की सारी शुक्र देवता मानी जाती हैं, और उनमें जब भी कोई कमी पेशी आने लगती है शुक्र देवता ही उसके रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, और वही हमारे जीवन में कलह का कारण बनती है। इसीलिए इनको दानव गुरु की पदवी प्राप्त है। जैसे बृहस्पति देव को देव गुरु की पदवी प्राप्त है, वैसे ही शुक्राचार्य को दानव गुरु की पदवी प्राप्त है। और आजकल हमारे समाज की प्रवृत्ति ऐसी हो चली है कि वो दानव प्रधान समाज होता चला जा रहा है या दानव गुरु प्रधान समाज होता जा रहा है, क्योंकि ये मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड होता चला जा रहा है। जिसके पास 10 चीज़ें ज़्यादा होंगी उसकी इज्जत ज़्यादा की जाती है, जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा उसकी इज्जत को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। क्यों? क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं। शुक्राचार्य दानव गुरु हमारी बॉडी में वीर्य के कारक ग्रह शुक्राचार्य, अगर किसी भी मेल जातक को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वीर्य संबंधी आ रही हो तो उसका डिपार्टमेंट शुक्र देवता के पास होता है। शुक्र देवता ही उसका कारक ग्रह है। इसका मतलब उस जातक का शुक्र कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है। ऐसा जातक ओम शुक्राय नमः का पाठ अवश्य ही कर सकता है। हमारी लाइफ में जितने भी हमारे प्रेम संबंध होते हैं, हमारी लाइफ में जितने भी पति पत्नी के संबंध होते हैं, वो सारे के सारे शुक्र देवता के अंडर आते हैं। अगर उनमें कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो तो कहीं ना कहीं कुंडलियों में शुक्र पीड़ित माना जाता है। ऐसा जातक हमेशा शुक्र देवता के हिसाब से गड़बड़ माना जाता है। तो शुक्र देवता की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने घर में जितनी भी स्त्रियां हों या पुरुष हों, यानी ऑपोजिट सेक्स के लोग, उनका रिस्पेक्ट रिगार्ड पूरा करना चाहिए। शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए हमें वैभव लक्ष्मी के व्रत भी करने चाहिए, संतोषी माता के व्रत भी करते, क्योंकि लक्ष्मी देवी शुक्र देवता को माना जाता है। शुक्र देवता को प्रसन्न करने के लिए वैभव लक्ष्मी देवी के किए हुए व्रत आपको बहुत अच्छा फल देते हैं। शुक्र देवता क्रिएटिविटी मानी जाती है। शुक्र देवता प्रिय दर्शकों सुंदरता मानी जाती है। अगर आप देखेंगे कि अगर अपने घर में गंदगी फैली हो, चीजें उथल पुथल पड़ी हो, सही जगह पर ना रखी गई हो, तो भी शुक्र देवता अपना अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि शुक्र देवता साज सज्जा का ग्रह माना जाता है। शुक्र देवता सौंदर्य का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र देवता क्रिएटिविटी, नई चीजों का सजाना, सौंदर्यता को बढ़ाने का कारक ग्रह माना जाता है। किसी का ब्यूटी पार्लर रिलेटेड काम हो, किसी का कपड़े रिलेटेड काम हो, किसी का ज्वेलरी रिलेटेड काम हो, जो भी काम हो, अगर वो साज सज्जा के अंडर आता है, वो सारे का सारा शुक्र देवता के अंडर आता है, तो शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए हर जातक ओम शुक्राय नमः की एक माला अपने कामकाज को बढ़ोतरी में लाने के लिए कर सकता है। अगर कोई भी जातक ऐसा व्यवसाय करता है जो भी सुंदरता से जुड़ा हुआ हो,
तो शुक्र देवता को प्रसन्न करने से उसके व्यवसाय में वृद्धि होने का योग बनता है और ये कोई भी कर सकता है। हालांकि शुक्र देवता का रत्न आपकी कुंडली देखे बिना नहीं पहना जाता, शुक्र देवता के दान भी आपकी कुंडली देखे बिना नहीं किए जाते, लेकिन हम बात कर रहे हैं जहां कुंडली की अवेलेबिलिटी ही ना हो और आपको इन चीजों की प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप शुक्र देवता का पाठ करके उसके आगे नमन करके ओम शुक्राय नमः का पाठ करना और अपने दूसरे संबंध को ठीक करना। अगर आप मेल हैं तो फीमेल से संबंध ठीक कीजिए, फीमेल हैं तो मेल से संबंध ठीक कीजिए। अपनी प्रेमिका है, बिलवड है या आपका प्रेमी है, उनसे रिलेशंस में रिस्पेक्ट रिगार्ड रखिए तो आपका शुक्र प्रसन्न होता है। शुक्र देवता हमारी हर खुशी का कारक माना जाता है। क्यों? क्योंकि आजकल खुशी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बदल चुकी है, चीजों में बदल चुकी है खुशी। तो यहां सबसे बड़ी बात, अगर मेल्स में किसी जातक की मैरिज में डिले हो रही हो और उस जातक की उम्र ज्यादा हो रही हो, तो लड़कों के लिए पत्नी का कारक ग्रह शुक्र माना जाता है। जैसे पतियों का कारक लड़कियों के लिए बृहस्पति को माना है क्योंकि बृहस्पति एक मेल ग्रह है, वैसे ही शुक्र देवता एक फीमेल प्लैनेट को माना जाता है। फीमेल होने की वजह से अगर जातक की मैरिज में डिले हो रहा हो तो उसे सही समय पर संपन्न करने के लिए भी आप ओम शुक्राय नमः का पाठ कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं फ्राइडे का। शुक्र देवता का व्रत करना भी आपके लिए सर्वदा लाभप्रद होगा। शुक्र देवता कभी भी हमारे घर में अपनी ब्लेसिंग्स नहीं देते अगर हमारे घर में जरा सी भी गंदगी पड़ी हो, क्योंकि वो स्वच्छता, अगर वो लक्ष्मी के कारक ग्रह हैं तो लक्ष्मी माता वहीं वास करती हैं जहां स्वच्छता हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रिय दर्शकों देख लीजिए, आप विदेशों में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज में जाइए जहां इतनी ज्यादा स्वच्छता होती है और वहां उनकी सुख सुविधाओं में कितनी बढ़ोतरी होती है, बरकत में उनकी कितनी बढ़ोतरी है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कितनी मजबूत होती है, ये शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वच्छता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अभी हमारी सरकार ने भी जो स्वच्छता अभियान चलाया है ये बहुत अच्छी बात है। इससे भी अगर आसपास आप स्वच्छता रखते हैं तो लक्ष्मी माता का पॉजिटिव प्रभाव आपको मिलता है। तो शुक्र देवता का अगर पॉजिटिव प्रभाव लेना हो तो रिलेशंस को अच्छा करना, हमेशा ओम शुक्राय नमः की एक माला का पाठ, और ये माला आप कभी भी कर सकते हैं, नाश्ते से पहले भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। इनका करना हमेशा आपको शुक्र देव की ब्लेसिंग देके आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होगा। अगर विवाह के बाद भी आपकी संबंधों में दरार आ रही हो, आपके रिलेशंस में वो मधुरता ना हो, आप एक दूसरे के प्रति वो लव अफेक्शन केयर का रिलेशन या रिस्पेक्ट रिगार्ड ना फील करते हो, तो भी शुक्र देवता का पाठ करके आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा जीने में, अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय करने में इस पाठ की मदद लेकर उसे इम्प्रूवमेंट में ला सकते हैं। ये रिलेशंस आपको हमेशा अच्छा फल देने में बाध्य होंगे अगर आप इस पाठ करने की आदत डाल लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिलते हैं कि सर हमने तो कुंडली भी मिलाकर की थी, कुंडली मिलती भी थी, हमने 2-4 साल अच्छे भी बिताए, लेकिन अब रिलेशंस में खटास आ चुकी है, अब हमारे वो रिलेशंस वैसे नहीं रहे। तो ऐसे जातक को ओम शुक्राय नमः का पाठ करना सर्वोपरि माना जाता है। वैसे तो अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर ही किसी आसपास जो भी आपके विद्वान हो अगर वो कर लेंगे तो और भी अच्छा, लेकिन अगर कुंडली मिली भी हो और आप पंडित के पास किसी विद्वान के पास ना जाना चाहें तो अपने रिलेशंस को मधुर करने के लिए ये किया हुआ आपका पाठ भी इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता आपको अवश्य दे देगा, क्योंकि शुक्र देवता हमारे सारे प्रेम संबंधों को माना जाता है, शुक्र देवता हमारी हर भोग योग वस्तु को माना जाता है, शुक्र देवता हमारे जीवन को सुखमय बनाने की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको माना जाता है।
शुक्र देवता साज सज्जा को माना जाता है, सौंदर्य को माना जाता है। शुक्र देवता हमारी हर चीज की कलह का कारण भी इसीलिए वो बनते हैं, इसीलिए उनको दानव गुरु की पदवी प्राप्त है। वो शनि राहु के भी गुरु माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आप समझ सकते हैं कि इनको प्रसन्न करना कितना आवश्यक और कितना जरूरी है। शुक्र देवता को अगर आप सही करेंगे, अपने प्रेम संबंधों को ठीक करेंगे, तो शुक्र देवता से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो आपको प्रॉपर ढंग से सही रिजल्ट देने में बाध्य अवश्य होंगे। कितने हो पाते हैं ये आपकी श्रद्धा और विश्वास पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं वो उपाय पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अपने रिलेशंस को साथ में कभी नहीं सुधारते। आप बहुत सारे उपाय करते हैं, बहुत सारे रत्न भी पहनते हैं, लेकिन रिलेशंस को जब आप उतनी मान्यता नहीं देते तो भी आपको आपके किए हुए उपाय प्रॉपर कभी रिजल्ट नहीं देते। आप सारे उपाय कर रहे हो लेकिन अपनी पत्नी को, जो साक्षात शुक्र है घर में, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो आपके सारे किए उपाय 50% ही फलित होंगे। ये बात ध्यान में रखिए। अगर आप अपनी पत्नी की भी साथ में रिस्पेक्ट करते हैं, जो घर में साक्षात शुक्र होती है, तो शुक्र और ज्यादा सही तरह से प्रसन्न होकर आपको अच्छे रिजल्ट देने में बाध्य होती है। शुक्र देवता प्रिय दर्शकों हमारी आज के युग का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह। आप कितनी ईमानदारी रखते हो, आप कितने उच्च विचार रखते हो, आजकल बहुत सारे लोग ये चीजें साइड पे कर देते हैं। सबसे बड़ी बात देखते हैं आप धनवान कितने हो। धनवान शुक्र देवता, चीजें कितनी हैं आपके पास, उससे आपका मान यश भी जुड़ता है। शुक्र देवता को प्रसन्न करना सबसे आसान है, सबसे आसान मैं ये मानता हूं। गृहस्थ जीवन में अपने लाइफ पार्टनर को इंपॉर्टेंस देना शुरू करो, मान यश रिस्पेक्ट रिगार्ड देना शुरू करो। अरे कम से कम रिस्पेक्ट से बुलाने की ही अगर आदत डाल लोगे, उनकी सही बात का सही ढंग से जवाब देने की भी आदत डाल लोगे, इससे भी शुक्र प्रसन्न होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो बात जब करते हैं अपने लाइफ पार्टनर से तो गलत ही बोलते हैं। बाहर सारे लोगों से वो बहुत अच्छा बोलेंगे, लेकिन घर में आके जब पत्नी से बात करेंगे तो हमेशा उनकी वाणी बिगड़ी होगी। ये गलत तरीका है प्रिय दर्शकों। अगर आप अपने रिलेशंस को ठीक करना चाहते हैं और अपने शुक्र से पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो इन्हें ठीक करने का सही मेथड है कि अपने बिहेवियर में चेंजेस लाइए। अपने पति पत्नी के रिलेशंस में अगर पर्सनल टाइम में भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हो, तो भी ओम शुक्राय नमः का पाठ करके उसे दूर कर सकते हैं। शुक्र देवता इन सब में आपको सहायता करते मिलेंगे। शुक्रवार को मंदिर जाकर के माथा टेक सकते हैं। शुक्रवार को माथा टेका हुआ शुक्र देवता को प्रसन्न करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। शुक्र देवता हर उस संबंध से जुड़ा हुआ है। जरूरी नहीं होता कि यह प्रेम संबंध ही हो, प्रेम संबंध तो इस कैटेगरी में आते ही हैं, लेकिन अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपका कलीग मेल है या फीमेल है, आपसे ओपोजिट है, वो उसकी भी रिस्पेक्ट रिगार्ड करने से आपका शुक्र देवता प्रसन्न होता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देकर आपका जीवन यापन आसान करने में बाध्य होता। आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदा बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.
मिलेंगे।